बाहर गली में ये हमारे नेबर्स हैं, उनके पास भी यही ब्रीड है, इसका नाम है गुड्डो। तो दोस्तों ये हाइट में लैला से ज़्यादा छोटी है। वो देखे दोस्तों गुस्सा कह रही है। ये देखिए हमारी लैला, ये सेम ब्रीड है बस वो ज़्यादा छोटी है, ये हाइट में बड़ी है। वो देखे दोस्तों कितना गुस्से में आई थी एकदम। नो लैला, लैला कम। लैला को बांध दिया, लैला बोल रही है। वो देखें गुड्डो वो कितने गुस्से वाली है। देखना दोस्तों मैं इसके पास जाता हूँ, इसे इधर लेके आना। दोस्तों सुभान को पड़ गई है। दोस्तों ये देखें दोनों खेल रही है। चल उधर जा उधर जा उधर जा उधर जा। दोस्तों वो एग्रेसिव है इसलिए उसको खोल नहीं रहे, कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए। लैला जो है ये एग्रेसिव नहीं है, ये कुछ नहीं करती, लेकिन गुड्डो एग्रेसिव है। इसका नाम गुड्डो है। लैला को बाहर गली में छोड़ दिया। लैला कम, लेकिन अंदर नहीं गई। चल अंदर अंदर चल, अंदर नहीं जाना। लैला तो बाहर मस्तियाँ कर रही है। दोस्तों अभी इसे बाहर बांधा हुआ था। दोस्तों लैला को अभी यहाँ पे बांधा है। लैला कम, अभी लैला को यहाँ पे बांध दिया, थोड़ी देर तक इसको ऊपर ले जाएंगे, कैट रूम में बंद कराएंगे। दोस्तों आउल को आज हमने ऐसी एक गर्दन पकड़ा दिया। वो देखे कैसे मुंह में डाल के कितने मजे से खा रहा है, अपने पंजे से उसने पकड़ लिया गर्दन को। देखे दोस्तों और कितने मजे से खा रहे हैं। दोस्तों ये देखें पंजे से पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आज जस्ट ट्राई किया था, पहले मैं इसको मतलब छोटे छोटे पीस करके हाथ से खिलाता था, तो आज इसको मैंने गर्दन पकड़ा दिया। तो मैंने कहा देखते हैं ये खाता है कि नहीं। वो देखें दोस्तों खा रहे हैं। हमारी बुलहरी की तरह दोस्तों, ये देखें दोस्तों आज इसको हमने स्ट्रॉबेरी दी थी, तो वो डर के अभी तक बाहर नहीं है। वो देखें दोस्तों आपको दिखाऊं, वो डर के ना उसने अपने ऊपर इतना ज़्यादा घास डाल लिया दोस्तों। ये देखें दोस्तों कबूतरों के काम। कबूतरों को खोल दिया था मैंने और मैं कैट्स के कमरे की सफाई करने लग गया। ये देखें दोस्तों ये नहाने लग गए और इन्होंने पानी उस दिन कितना आज फिर कर दिया। और दोस्तों वो देखें हमारा आउल, एक मिनट मैं ये रख लूँ। वो देखें दोस्तों हमारा आउल नीचे आया हुआ है, उसके पाँव में वही गर्दन है जो थोड़ी देर पहले मैंने उसे दी थी। दोस्तों वो नीचे आके आराम से रिलैक्स होकर खा रहे, क्योंकि ऊपर उसे पकड़ी नहीं थी जा रही और वो नीचे आ गया। तो दोस्तों कबूतर हमारे खुले हुए हैं माशाल्लाह से। देखें दोस्तों ये इस तरह फुले फुले इसलिए हैं क्योंकि सब नहाए हैं। ये देखें सफाई कर रहे हैं अपनी। तो दोस्तों गुलहरी हमारी नीचे पानी भी है। दोस्तों गुलहरी हमारी अंदर ही बैठी हुई है, वो अंदर सोई हुई है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। वो भी थोड़ी टेंशन में है कि यहाँ पे इतने बर्ड्स इतना कुछ, तो दोस्तों वो भी थोड़ी टेंशन में है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से मैं सफाई कर लूँ क्योंकि बहुत गंद हो गया। ये देखें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये देखें सारा पानी गंद, क्योंकि यहाँ पर ये वॉशरूम भी करते हैं शीट पर, तो जब पानी गिरता है तो हर चीज़ मिक्स हो जाती है, ग्रेवी टाइप बन जाता है। तो दोस्तों ये हिसाब हो गया। ये देखिए अब नहा धो के रिलैक्स होके बैठे हुए हैं ऊपर, और नीचे देखें कुछ लड़ भी रहे हैं। और दोस्तों हमारी फिंचेस भी कबूतरों को देख रही हैं, इनकी हरकतें। तो दोस्तों मैं सफाई करके फिर मिलता हूँ आपको, क्योंकि बहुत गंदा हो गया। और ये हमेशा की तरह इधर आया हुआ है कि भाई मुझे खाना दे दो। ये देखें दोस्तों और माशाल्लाह हमारा पॉपिट कितना बड़ा हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं सफाई के बाद। तो जी दोस्तों कबूतरों को बंद कर दिए, सफाई भी कर दी है, जितना उन्होंने गंद कर दिया था, हर तरफ पानी। दोस्तों हमने अपनी गुलहरी को स्ट्रॉबेरी दी थी और साथ मैंने खजूरें भी डाल दी थी। तो दोस्तों अभी ये खा रही थी, वो देखे ले कर गई हुई थी, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, वो चली गई ऊपर, वो डर के ऊपर चली गई दोस्तों। तो दोस्तों आराम से आती है, देखें एक खजूर ये पड़ी हुई, देखें दोस्तों ये इसने खाई हुई है। दोस्तों यहाँ से आती है, आराम से खाती है और भाग जाती है। दोस्तों ये ऊपर जाके बैठ गई है, अभी ये कुछ टाइम मेरे से डरेगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखेगी ना, डेली मुझे खाने को देते हैं
और कुछ कहते भी नहीं है, तो दोस्तों फिर डरना बंद कर देगी। तो दोस्तों ये देखें, इसके साथ ये खेलने लग सकती है। कि देखिए दोनों कुजी में चले गए हैं दोस्तों, इनका पानी गंदा हुआ हुआ है, दाना भी ख़त्म हुआ हुआ है। तो दोस्तों सबको दाना पानी दे देते हैं। ये देखें दोस्तों, इन्होंने तो पानी अपना गिरा दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इनके लिए वो जो फीडर टाइप नहीं होते, मतलब बाहर वाली साइड से लग जाते हैं, दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वो लेके आऊँ सबके लिए, 2, 4, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों वो ले आएंगे, वो लगा देंगे, बाहर से इनको खाना दिया, बाहर से पानी दिया, क्योंकि दोस्तों इस तरह ये डरते ही बहुत हैं, तो इसलिए ये एक तो डरते हैं, दूसरा ना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जिस तरह पानी गिरा दिया। तो दोस्तों ये लेके आएंगे, और ये इन्होंने क्या गिरा दिया, एक मिनट दोस्तों ये निकाल लेते हैं, बस कोई पिंच ना उड़ जाए। उड़ी बाहर आने लगी थी, उड़ गई एक दोस्तों, मुझे लगा बाहर आने लगी थी लेकिन उड़ गई है एक, ये उड़ा मेल उड़ा। तो दोस्तों हम अब जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, फिर ना कोई उड़ गए। तो जी दोस्तों ये निकाल ली, और ये देखें दोस्तों, और ये देखें आउल किस तरह देख रहा है, आउल के पास जाके बैठी है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अभी शिकार कर देगा, इधर से उड़ जा आउल पकड़ लेगा। दोस्तों आउल पकड़ नहीं सकेगा क्योंकि इसको ये चेन है, इसके पीछे उड़ेगा लेकिन इतना नहीं उड़ सकता। और दोस्तों अब आउल को हम हाथ से नहीं खाया करेंगे, इसके आगे बस गोश्त रख दिया करेंगे, ये खुद ही खाए, यहाँ पर रखा करेंगे, यहाँ से खुद ही खाए, यहाँ से पानी पिए और जाके अपनी जगह पर बैठ जाए। और दोस्तों जब ये नया नया आया था तब इतना मतलब गुस्सा नहीं था करता, तब डरा डरा था, और अब ये गुस्सा करने लग गया, मतलब इसके पास हाथ करो तो आगे से ना काटने को आता है। स्टार्ट में इसने ऐसा नहीं किया था दोस्तों, ये देखें हमारा बेचारा दिल भर। हाँ जी क्या हुआ है, क्या मसला है? तो दोस्तों इनको जल्दी से हम दाना पानी देते हैं, क्योंकि दाना भी इनका ख़त्म हुआ है, पानी इन्होंने गिरा दिया है, इनका पानी है लेकिन सबका दाना पानी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे मैक्स का था, इसमें हम दाना चेंज कर देते हैं, तो इसको देख के तो मैक्स की याद आ गई है। खैर दाना देते हैं, पहले इनकी डिब्बियाँ निकाल लेते हैं। दोस्तों फीडर वाला काम करना ये काम नहीं, ठीक है, एक तो जब अंदर हम हाथ करते हैं तो हमारे बर्ड्स डर जाते हैं। इसका भी निकाल लिए, जल्दी से निकाल लें। तो दोस्तों इनका दाने वाला बॉक्स और पानी निकालने के चक्करों में उसकी फीमेल भी उड़ गई है। दोस्तों ये इसी की फीमेल उड़ी है, ये पेड़ लगा हुआ है, तो ये भी उड़ के वहां जाके बैठ गए। अच्छा इन्हें डर ही नहीं आउल का कि ये हमारे पास शिकारी बैठा हुआ है, ये हमें पकड़ सकता है। दोस्तों लेकिन मुझे डर है क्योंकि वो देखे कितना सीरियस होकर देख रहा है। दोस्तों ये देखना बहुत सीरियस हुआ हुआ है उनकी तरफ, और उन पागलों को अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या करेगा, हमें पकड़ सकता है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, रिस्क नहीं लेते, पहले इनको पकड़ते हैं, इनके पिंजरे में छोड़ते हैं, ये ना हो हम इधर दाना पानी दे रहे हो और ये इनके ऊपर हमला कर दे। लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, वो भी लाइट ऑफ करके हम बाकी भी सारी। तो दोस्तों लाइट्स ऑफ कर ली हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना आसान फिर भी नहीं क्योंकि अभी रोशनी है, रात के टाइम ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अगर लाइट्स ऑफ करें। शिट दोस्तों ये देखें मसला हो गया, ये देखें यहाँ से आपको नजर आएगा, पिंच पकड़ने लगा और उसके पैर उतर गए, मतलब उसकी टेल ही सारी उतर गई है फीमेल की। फीमेल नीचे बैठी हुई है, वो सामने, ये है दोस्तों फीमेल, इसे दोस्तों फीमेल पकड़ ली लेकिन इसकी टेल गायब हो गई है। दोस्तों फीमेल तो पकड़ ली है लेकिन इसकी टेल देखें, एक पैर रह गया बाकी सारी उतर गई है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी नई टेल आ जाएगी। दोस्तों पहले इसको छोड़ ले। तो जी दोस्तों मेल को हमने पकड़ लिया, इसने थोड़ा पकाया हमें, इतनी आसानी से नहीं पकाया। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह इसकी टेल भी उतर गई थी, और अब इसकी टेल देखिए पहले से ज़्यादा अच्छी आई है, और इसका कलर देखें दोस्तों इस साइड से नज़र आएगा, ये देखें दोस्तों इसका कलर माशाल्लाह कितना रेड है, और ये कितना प्यारा मेल है दोस्तों, चेक करें ऊपर डॉट्स। चलें दोस्तों इसको ज़्यादा देर नहीं पकड़ते, डर ना जाए, इसको छोड़ते हैं वापस, लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइट्स ऑन कर ली, दोस्तों उसके काम देखें कैसे देख रहा है, ये देखें दोस्तों ये पकड़ने के लिए तैयार है दोस्तों।
ये देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि आउल छोटी चीजों का शिकार करता है। ये देखे, ये फिन छोटी है और इसको ये इजीली मतलब पकड़ सकता है और खा सकता है। खैर इसको हम छोड़ते हैं, चलो जाओ अंदर। तो जी दोस्तों, हमने अपनी फिंच को छोड़ दिया, मेल को भी छोड़ दिया, स्ट्रॉबेरी मेल को। दोस्तों एक बड़ा मसला है, ये दरवाजा बड़ा है, खोलते हैं कोई भी चीज़ अंदर से करनी हो या इनका दाना पानी चेंज करना हो तो वो निकल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना हम लेके आते हैं जो छोटे छोटे फीडर्स होते हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। तो बाहर से पानी दिया, बाहर से इनका सारा काम खत्म किया। दोस्तों सबकी निकाली लेकिन दिलबर की तो हमने निकाली नहीं थी। दोस्तों इसमें अभी है, दोस्तों इनकी डिब्बी में है अभी, इसमें हम और ऐड कर देते हैं ताकि वेस्ट भी ना हो। तो दोस्तों दाना था तो हम सबको माशाल्लाह पूरा आ गया लेकिन खत्म हो गया, आज जाके और ले आएंगे। तो जी दोस्तों, सबको दाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया और इनको नहीं दिया, तो डेरों को दाना भी नहीं दिया और पानी भी नहीं चेंज किया। दोस्तों इनका पानी तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, इनको पहले दाना दे देते हैं, इनका पूरा फिर से गंदा हो गया। दोस्तों दोस्तों दाना डाल दिया है, अब सिर्फ इनको सब सिर्फ इनका पानी लेके आना है। तो जी दोस्तों अब सबका काम खत्म हो गया है। तो जी दोस्तों सबका काम खत्म हो गया, आउल को खाना भी दे दिया, अपने पॉपेट को भी खाना दे दिया। ये देखें दोस्तों पॉपेट किस तरीके से बैठा हुआ है। और दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि भाई अब पॉपिट के सिखाने का टाइम आ गया। तो दोस्तों माशाल्लाह पॉपिट हमारा कितना बड़ा हो गया है, दोस्तों यकीन ही नहीं होता कि ये इतना सा आया था। और दोस्तों माशाल्लाह से इसे अब हम ट्रेनिंग भी देंगे साथ साथ, अभी तो नहीं दे रहा लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है और हो भी गया है। अब इसे हम ट्रेनिंग भी देंगे साथ साथ, खाना देते हुए इसे हम बात किया करेंगे, मतलब इसे बोला करेंगे हाँ जी पॉपिट कैसे हो, खाना खा लो, ये वो, इससे बातें किया करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने एक इसमें से बजीज लेना है, एक इसमें से मतलब छोटा बच्चा है, यहाँ से लेना है कि यहाँ पे, माशाल्लाह यहाँ पे भी दो हो गए हैं और इधर भी दो हो गए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे दो रह गए हैं और इधर एक रह गया, तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे छोटे छोटे बजीज भी आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था एक उस पिंजरे में से लेना है, एक इस पिंजरे में से लेना है और इनको लेके मैंने ट्रेन करना है। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि ये अपनी आईज खोल लें, मतलब थोड़े से बड़े हो लें, ज्यादा छोटे उठा लिए तो दोस्तों ये ना हो, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, जब इनकी आंखें खुल जाएंगी एक उधर से, उधर दोस्तों रेड आईज है माशाल्लाह। दोस्तों इस पिंजरे में एक रेड आईज है, इसके मदर फादर की आंखें जो हैं दोनों की ब्लैक हैं, लेकिन दोस्तों एक बच्चा जो है रेड आईज है, दूसरा भी काफी छोटा है उसका पता नहीं चला, लेकिन इधर ब्लैक ही है। तो दोस्तों इधर से हमने एक बच्चा लेना है बड़ा और एक उधर से जो पहले हुए थे। तो दोस्तों इनको हमने हैंड फीड करवाना है सेम अपने पॉकेट की तरह, इसी तरह दोस्तों माशाल्लाह जिस तरह ये छोटा सा आया था ये बड़ा हो गया, इसी तरह दोस्तों उनमें से एक बेबी लेना है, मतलब दोनों पिंजरों में से एक एक, तो हमारे पास तीन बेबी हो जाएंगे जिनको हमने हैंड फीड करवाना होगा। एक तो हमारा पॉपिट अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, कुछ टाइम तक इसने सेल्फ पे आ जाना है, लेकिन दोस्तों वो दोनों उनको हैंड फीड करवाना है। तो दोस्तों बस मेरा एक मतलब बस दोस्तों एक माइंड बना हुआ है कि हम अपने बजीज को भी ट्रेन करते हैं दोस्तों, वो भी जब घर में बड़े होंगे तो अपने पॉपिट की तरह वो भी मेरे से यूज होंगे दिलबर की तरह। तो दोस्तों थोड़ा सा उनका वेट है, मतलब थोड़ी सी बस उनकी आंखें खुल जाए उसी टाइम हम उठा लेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं कैट रूम में, कैट रूम में चलते हैं। क्या 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 इधर आते दोस्तों, कैट रूम में जब भी हैं इन्होंने वेलकम जरूर करने आना होता है। ए जल्दी दोस्तों लैला कितनी खुश है।
उसकी चेन ही उतर गई है। नहीं ज्यादा पास नहीं आना दोस्तों, वो खुल गई है। लैला लैला इधर आओ, स्टे स्टे स्टे, नो 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 दोस्तों, लैला को हम ट्रीट देते हैं। दोस्तों लैला के लिए ट्रीट ले ली है आज। दोस्तों लैला बहुत मजे से ना ट्रीट को पकड़ती है। लैला कम कम, ये देखे दोस्तों हाफ कर ली है, ये देखना दोस्तों कितने मजे से पकड़ेगी। अच्छा ये लो लैला, नो स्नोबेल आपने लैला, ये देखे दोस्तों इतने मजे से पकड़े, मैंने छोड़ी नहीं थी। अच्छा ले लो आ जाओ, ये चलो ले क्यों तो चले जाओ, गो वो इधर ही खान ला सकी, चलो जाओ। ये लो जंप करो, बस तो देखा कितने मजे से इसने जंप किया। ये लो अच्छा पास, अच्छा आज 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 मैं ना ऊपर जाके बैठो, ऊपर बैठा करो, यहाँ पर बैठा करो, यहाँ पर इधर बैठा करो, और ये मैक्स के टॉय के साथ खेला करो। दोस्तों ये तो इसे भी नहीं मुंह लगाती और इसे भी नहीं मुंह लगाती, ये यहाँ पे वैसे पड़े रहते हैं, फिर भी हम रख देते हैं अगर लैला का दिल किया तो इनके साथ खेल ले। तो दोस्तों हमारी कैट्स माशाल्लाह से, हाँ जी दोस्तों मरनी हमारी को भूख लगी हुई है, लेकिन इसे अभी खाना नहीं देना, इनकी रूटीन खराब हो जाएगी। 12 बजे इनको दिया, बाकी इनको खाना हम देंगे रात को। दोस्तों डोरा और स्नो, डोरा वो पीछे बैठ के, स्नो मेरे पास है। कैसी है स्नो, ठीक हो? क्या हुआ आज, क्या हुआ आपको, कॉफी कैसी हो आपकी को? हाँ जी दोस्तों ये देखिए हमारा माइकल कैसे हो? दोस्तों ये माशाल्लाह हमारा माइकल है, माइकल कैसे हो, ठीक हो? क्या हुआ दोस्तों, माइकल तो हमारा सैड ही लग रहा है, क्या हुआ माइकल ठीक हो? हेलो क्या टेंशन है? हाँ जी ये देखे दोस्तों गुस्सा कर रहे हैं, ये देखे दोस्तों गुस्सा कर रहे हैं, दोस्तों गुस्सा कर रहा था। सोबू किधर है? सोबू सोबू आ जाओ, आजो 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 आजो, लैला आपको नहीं था बुलाया मैंने, सुबह आजो आप आजो, गुड बॉय। तो दोस्तों स्नोबेल की भी कटिंग करनी है, माइकल की भी कटिंग करनी है, स्नोबेल की भी कटिंग करनी है। दोस्तों ये अपना शहजादा है, शहजादा इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है, और माइकल की भी कटिंग कर देनी है, स्नोबेल की और लैला की और स्नो की, गोल्डी की। दोस्तों इन सब की कटिंग मैंने कर देनी है इंशाल्लाह जल्दी। तो हाँ जी क्या हुआ, क्या हुआ आपको? तो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हमारे चैनल जू लाइफ को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। कर्टन आगे कर देते हैं, अंदर धूप आ रही है दोस्तों, ये भी हमने चेंज करना है। ये सर्दियों में लगाया था क्योंकि दोस्तों ये ना मोटा था, इसको सर्दियों में लगाया था ताकि इन्हें सर्दी ना लगे।